हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। एचएसएससी लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज अपनी पहली क्लास है। इससे पहले भी अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें ऐसे लेक्चर्स को ऐड किया गया है जो कि एचएसएससी लैब टेक्नीशियन के सिलेबस को कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस प्लेलिस्ट को देखा नहीं है, सुना ही नहीं था उसके बारे में, तो एक बार अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर एचएसएससी लैब टेक्नीशियन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितनी भी वीडियो है वो सारी की सारी वीडियो एचएसएससी लैब टेक्नीशियन सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, आज की अपनी जो क्लास है इसका टॉपिक रहेगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का भी सबसे पहला पोर्शन जिसमें है द सेल इन हेल्थ एंड डिजीज, और ये सब टॉपिक जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस कैसे करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हिस्टोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी होती है, सेल की, टिश्यू की, डिजीज्ड टिश्यू की या फिर पैथोजन की। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं टिश्यूज को। सेल की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। टिश्यू की जो स्टडी रहेगी उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। डिजीज्ड टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। अब बात आई पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं। तो पैथोजन्स आर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर पूछ लिया जाए डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं पैथोजन्स। ठीक है, तो जो जो पॉइंट यहाँ पे मैंने बताए हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज्ड टिश्यू एंड पैथोजन्स आर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज, जो डिजीज की स्टडी हम करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर मोर्बिडिटी। तो स्टडी ऑफ डिजीज को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर या फिर ट्यूमर। ठीक है, कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्को वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब रहेगा वो कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑन्को जहां पर भी आएगा उसका मतलब है कैंसर से वो रिलेटेड रहेगा। पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज हम किसे बोलते हैं, पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। एंड व्हाट इज मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी क्या होता है, मोर्बिडिटी इज द रेट ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में कितनी रेट रहेगी किसी भी डिजीज की उसको हम बोलते हैं मोर्बिडिटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, जितने भी पॉइंट यहां पर मैं बता रहा हूं हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉडर्न पैथोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को, रुडोल्फ विर्थको को, सेल्सस को या फिर विलियम्स हार्वे को। तो फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी बोला जाता है अपने पास रुडोल्फ विर्थको को। यहां पर रॉबर्ट ब्राउन का अगर पूछ लिया जाए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इन्होंने किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस ऑफ सेल जो है उसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ विर्थको ने क्या किया था, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। ठीक है, इन्होंने एक टर्म दी थी जिसको हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसको हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब अगर पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल है, उनसे ही नई सेल बनती है, ये किसका मतलब है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब रहेगा। सेल थ्योरी अगर पूछ ली जाए किसने दी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी अपने पास सेवान एन स्लेडन, सेवान एन स्लेडन। इन्होंने क्या की थी, सेल थ्योरी को देने का काम किया था, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ विर्को ने किया था। सेल्सस का कंट्रीब्यूशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। विलियम्स हार्वे ने क्या किया था, तो इन्होंने की थी डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट अगर पूछ लिए जाए तो वो रहेंगे अपने पास विलियम्स हार्वे, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कौन रहेंगे, रुडोल्फ विर्को रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, हमारी सेल के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनली कौन सी होती है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस। तो सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनली रहेगी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, सेंटर और कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर इसको बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी इसको बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमारे केस में, ह्यूमन के केस में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है अपना जेनेटिक मटेरियल है, तो वो कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस जो पाया जाता है जनरली सेंटर ऑफ सेल के अंदर पाया जाता है, यानी कि सेल का जो सेंटर रहेगा सेंटर पे पाया जाता है। जैसे ये अगर सेल है तो इसके सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस रहेगा इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस रहेगा उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोला जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसको बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी बनाता है। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनर्जी करेंसी को बनाने का काम कर रहा है। एटीपी जो बनेगी वो किस प्रोसेस से बनेगी, ऐसा अगर पूछ लिया जाए तो ये बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस रहेगी उससे अपनी एटीपी बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और अपने पास ही हो गया एनर्जी करेंसी एटीपी। एटीपी के अंदर से जो एनर्जी निकलेगी, एटीपी के अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो किस वजह से निकलेगी, तो एनहाइड्राइड बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, एनहाइड्राइड बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो आपको याद रखना है हाई एनर्जी जो रहेगी एटीपी के अंदर, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का अपने पास डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो है डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किस टाइप के मिलेंगे, वो 70S टाइप के मिलेंगे, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स रहेंगे 70S टाइप के रहेंगे, और डीएनए जो रहेगा वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेचर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है गोल्जी अपैरेटस की। गोल्जी अपैरेटस जो करेगी वो पैकेजिंग का काम करेगी, पैकेजिंग। अगर कोई प्रोटीन बाहर भेजनी तो उसको पैक कौन करेगा, तो गोल्जी अपैरेटस करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड सिंथेसिस करवाने का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस। स्टेरॉइड हार्मोन ये बनाएगा, स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस में ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। कैल्शियम सप्लाई जो है ये क्या करेगा, कैल्शियम सप्लाई करने का काम करेगा। और ड्रग्स मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है, ड्रग्स मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। तो जितने सारे पॉइंट ये हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांस
रहती हैं। तो हर एक पॉइंट आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है एक सेल की, सेल के अंदर ये सबसे सेंटर में तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे थोड़ा एज की तरफ दिखाया गया न्यूक्लियस, जो ये ब्लू जो दिखाया गया है कि अपने पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस जो होती है इट इज साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाए आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहां पर होती है, तो ये होती है अपने पास न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के साथ लगता हुआ मिलता है, ठीक है, न्यूक्लियस के लगता हुआ जो मिलेगा वो रहेगा अपने पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ कोन बनाने का काम करता है, रफ जो होगा इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। देखो यहां पर ये अपने पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा उसके ऊपर ये छोटे छोटे ब्लू ब्लू डॉट जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है, ये रहेंगे अपने पास राइबोसोम्स, क्या रहेंगे राइबोसोम्स रहेंगे। और ये राइबोसोम्स होने की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा वहां पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, या नीचे आप देख सकते हो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा क्या है, क्लियर है, यहां पर कोई ब्लू डॉट नहीं है, यहां पर क्या है ये ब्लू डॉट्स है, ये ब्लू डॉट्स जो है ये रहेंगे राइबोसोम्स, ये क्या है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ये क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं उसके अलावा फ्री राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इन सभी ऑर्गेनेली के साथ साथ यहां पर जो लिक्विड पोर्शन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल, ठीक है साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म इसको बोला जाता है। सेल के अंदर जो वॉटर होता है या सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद अपने पास गोल्जी प्रेटस के अंदर ऐसे ये कई सारे अपने पास क्या बोल सकते हैं इनको वेसिकल जो है अरेंज होते हैं उनको गोल्जी प्रेटस बोलते हैं। काम क्या रहेगा इसका, पैकेजिंग करेगा। उसके बाद लाइसोसोम्स जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग का नाम भी इसको दिया जाता है लाइसोसोम को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जब भी लाइसोसोम टूटते हैं तो पूरी सेल को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सुसाइड बैग का नाम दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हमने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर है ये। और उसके बाद है अपने पास साइटोस्केल्टल, साइटोस्केल्टल रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है और सेल की अपने पास मूवमेंट में भी ये रोल प्ले करता है। उसके बाद पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम जो होते हैं इनके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं और इनका रोल जो रहेगा ये वेरी लॉन्ग फैटी एसिड जो है, वेरी लॉन्ग फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, सेंट्रियोल जो होते हैं अपने पास इनका सेल डिवीजन के टाइम पे रोल होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली कवरिंग है, ये बनी किसकी होती है अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, प्रोटीन इंटेंडेड फॉर साइटोसोल आर सिंथेसाइज्ड बाय, अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन कौन बनाता है राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम्स दो जगह पे प्रेजेंट है, एक तो कहां पर साइटोप्लाज्म में और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पे पूछा कि ऐसी प्रोटीन जो कि साइटोसोल में सही होती है वो कहां पर बनती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, या तो बनेगी नहीं, ठीक है ना, गोल्जी में बनेगी। तो अपने पास दो ऑप्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम्स, ये दोनों क्या करते हैं प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाएगा वो कौन सी प्रोटीन बनाएगा, तो ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन बनाएगा, या तो वो सेल मेम्ब्रेन में जाती हो, कहां पर जाती हो सेल मेम्ब्रेन के लिए रिक्वायर्ड हो, या फिर उसको एक्सपोर्ट करना हो कहां पर
आउटसाइड या फिर उस प्रोटीन को आउटसाइड एक्सपोर्ट करना हो, ऐसी प्रोटीन कहां पर बनती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनती है। ऐसी प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड होगी, दैट आर रिक्वायर्ड इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में रिक्वायर्ड रहेगी वो कौन बनाएगा? फ्री राइबोसोम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, फ्री राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे जो साइटोसोल में चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बताया गया, देखो, न्यू प्रोटीन डेस्टिंड फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, या फिर जिसको सिक्रीशन करना हो यानी कि सेल से बाहर अगर भेजना है तो वो प्रोटीन कहां पर बनेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेगी। एंड फिजिकली असेंबल्ड, असेंबली कहां पर होगी उनकी? असेंबली कहां पर होगी? अगर किसी भी प्रोटीन को बाहर भेजना है तो उसकी असेंबली यानी कि उसको जोड़ना या फिर उसकी पैकिंग करना, तो वो काम कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस करेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रोटीन्स बिफोर देयर एक्सपोर्ट दे आर असेंबल्ड बाई, तो कौन असेंबल करेगा उनको? गोल्जी अपरेटस करेगा। और ऐसी प्रोटीन जो कि साइटोसोल में रिक्वायर्ड होगी उनको कौन बनाएगा? उनको फ्री राइबोसोम्स बनाएंगे। उसके बाद क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन सी जगह पे, कौन सी सेल्स में? या तो गोनेट्स वाली सेल में या फिर लीवर में। क्यों, यहां पर क्यों ज्यादा पाए जाएंगे? क्योंकि दीज आर साइट ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड हॉर्मोन को बनाने का काम करते हैं कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस भी कौन करवाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं। तो इनका ये फंक्शन भी आपको याद रखना है कि लीवर के अंदर जो अपने पास लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस होगी उसमें कौन रोल प्ले करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डेंस पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जेरोज पेलाडे। जो जॉर्ज पेलाडे ने पार्टिकल डिस्कवर किए थे वो इनमें से कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस या फिर लाइसोसोम। तो जॉर्ज पेलाडे ने किसकी डिस्कवरी की थी भाई? राइबोसोम्स की। ठीक है, राइबोसोम्स को इन्होंने देखने का काम किया था। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो टाइप के हम पढ़ते हैं ATS और दूसरा पढ़ते हैं 70S। ATS की दो सब यूनिट होगी और 70S की भी दो सब यूनिट होगी। एक रहेगी अपने पास लार्ज सब यूनिट और दूसरी रहेगी स्मॉल सब यूनिट। दूसरी कौन सी रहेगी? स्मॉल सब यूनिट रहेगी दोनों के केस में। तो ATS के केस में लार्ज सब यूनिट जो रहेगी वो रहेगी 60S की और स्मॉल सब यूनिट जो रहेगी वो रहेगी मेरे पास 40S की। ठीक है, 40S की, 40S, ठीक है, 40S, गलत लिख दिया यहाँ पे। पहली रहेगी 60S और दूसरी रहेगी 40S। 70S के केस में क्या रहेगा? लार्ज यूनिट जो रहेगी वो रहेगी 50S और छोटी जो रहेगी वो रहेगी 30S। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको, ATS इज इक्वल टू 60S प्लस 40S और 60 अपने पास 70S इज इक्वल टू 50S प्लस 30S। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना कि 50 और 30 80 होंगे तो 80 के कंपोनेंट है, नहीं। ATS की जो दो यूनिट रहेगी वो रहेगी 60S और 40S, 70S की जो दो सब यूनिट रहेगी वो रहेगी 50S और 30S। उसके बाद जो ATS पाया जाता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। 70S जो पाया जाता है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ 70S अभी हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। S जो रहेगा इसमें, S किसको डिनोट करता है? S रहेगा स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये रहेगा S का मतलब, और ये डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट को। सेडिमेंटेशन कोफिशियंट को ये डिनोट करता है। ठीक है, जितना ज्यादा S यानी कि जितनी ज्यादा स्वेडबर्ग यूनिट रहेगी उतना ही ज्यादा उसका सेडिमेंटेशन रेट रहेगा यानी कि वो भारी रहेगा। ठीक है, तो ये था राइबोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो यूनिट होती है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी कितने S रहेगी,
70S में और बड़ी कितनी रहेगी, तो दोनों की मैंने यहाँ पे बता दी आपको। यूकैरियोटिक में मिलेगा 80S और प्रोकैरियोटिक में मिलेगा 70S। 70S यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। गोल्जी अपरेटस अब्सेंट रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट रहेगा। लाइसोसोम अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी सेल जो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट रहेगी, लेकिन जो राइबोसोम जो रहेंगे ये दोनों के अंदर कॉमन रहेंगे। दीज आर कॉमन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर दोनों में कॉमन जो रहेगी वो रहेगी राइबोसोम। राइबोसोम काम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपने सेल के अंदर कई ऑर्गेनेल ऐसी होती हैं जो कि कैटाबॉलिज्म का काम करती है। अब कैटाबॉलिज्म क्या है ये हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था? जितनी भी प्रोसेस होती हैं, ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस, ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस जो रहेगी अपनी बॉडी की, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का फिर हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक रहेगा एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? नए पार्टिकल या मॉलिक्यूल बनते हैं, सिंथेसिस होगी, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो कई सारी ऑर्गेनेल ही होती हैं जो कि ब्रेक डाउन में पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें से तीन जो है मेनली वो क्या क्या, देखो, सबसे पहले है प्रोटियासोम, दूसरी है लाइसोसोम और तीसरी है परऑक्सीसोम, ठीक है। यानी कि ये तीनों ऑर्गेनेल जो आपके सामने हैं ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ये कैटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं। ये किसी न किसी को तोड़ने का काम करती है। किसको तोड़ती है? सबसे पहले प्रोटियासोम। प्रोटियासोम जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये डिग्रेड करते हैं किसको? डीनेचर्ड और टैग्ड साइटोसोलिक प्रोटीन को, और क्या करती है फिर? शॉर्ट पेप्टाइड को रिलीज करने का काम करती है। तो एक कोई प्रोटीन है जो कि टैग कर रखी है, उस टैग्ड प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करेगा? प्रोटियासोम करेगा। और ये टैग करने का काम कौन करता है? ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, यूबीक्यूटीन। यूबीक्यूटीन नाम की प्रोटीन जो है वो क्या करती है? इनको टैग करने का काम करती है। तो टैग्ड प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करेगा? प्रोटियासोम करेगा, याद रखना है। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल होती हैं। इनके अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स को। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकती हैं, लिपिड्स भी हो सकती है, और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। और लाइसोसोम ऐसी ऑर्गेनेल है इन विच फेगोसाइटोज्ड माइक्रोब एंड डैमेज्ड सेलुलर ऑर्गेनेल जो है वो डिग्रेड होती हैं और उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो मान लेते हैं अगर हमारी एक सेल के अंदर कोई क्या आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, माइक्रोब्स आ गया, माइक्रोब्स को अंदर जो लिया है उस प्रोसेस को बोला है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो सेल अगर इनगल्फ करेगी, सेल के द्वारा क्या किया जाए? इनगल्फ किया जाए यानी कि खा लिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई अपने पास पार्टिकल अपनी सेल के अंदर अगर आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फैगोसाइटोज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो अपने पास तोड़ने का काम कौन करेगा, डिग्रेड कौन करेगा, उसको डिग्रेड करके फिर एलिमिनेट करेगा लाइसोसोम्स। उसके बाद है प्रोक्सीसोम। प्रोक्सीसोम के अंदर ध्यान रखना आपको कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? कैटालेज, परोक्सीडेज और कुछ एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रो लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है।
और प्रोक्सीसोम के अंदर कैटालेज, परोक्सीडेज और ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, ब्रेकडाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहां पर होता है, तो प्रोक्सीसोम में होता है। इन जनरल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इन जनरल फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जनरली कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर ये फैटी एसिड बहुत ज्यादा लंबी चेन के हैं तो तब कहाँ पर होगा, अपने पास प्रोक्सीसोम में होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है और हाइड्रोजन परोक्साइड को जनरेट करती है, रिलीज करती है। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन परोक्साइड जनरेट करने वाली ऑर्गेनेली भी कौन सी है, पर ऑक्सीसोम्स है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ सेल्स ऑन कंपोनेंट्स इज नोन एज। अगर कोई सेल है वो अपने खुद के कंपोनेंट को क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, नेक्रोसिस, ऑटोफेगी, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो खुद के कंपोनेंट को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रही है तो ऑटोफेगी। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑटोफेगी। नेक्रोसिस होता है सेल डेथ ड्यू टू इंजरी और डिजीज, सेल डेथ ड्यू टू डिजीज या फिर इंजरी। ठीक है, फेगोसाइटोसिस होता है सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करना, सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करना। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूछी जा सकती है, फेगोसाइटोसिस क्या होती है। पिनोसाइटोसिस को नाम दिया जाता है सेल ड्रिंकिंग का, यानी कि लिक्विड पोर्शन को या लिक्विड को ड्रिंक करना, लिक्विड को सेल के द्वारा, लिक्विड को सेल के द्वारा ड्रिंक करना। ठीक है, यानी कि अंदर लेकर के जाना, उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग, यानी कि सेल कुछ ड्रिंक कर रही है, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस को वो इनगल्फ कर रही है। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस को, लिक्विड सब्सटेंस इनगल्फ करना, दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। सॉलिड को इनगल्फ करेगी तो फेगोसाइटोसिस। नेक्रोसिस रहेगा सेल डेथ ड्यू टू डिजीज और इंजरी, और अपोप्टोसिस, और अपोप टोसिस जो होती है ये होता है अपने पास नेचुरल सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ, इसको बोलेंगे अपोप्टोसिस को। नेक्स्ट, ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, अभी हमने पढ़ा कौन सी रहेगी, प्रोक्सीसोम। इन जनरल जो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो उसका अपने पास आंसर क्या रहेगा, प्रोक्सीसोम रहेगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखो ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करती है, पावर देने का काम करती है। ठीक है, बनती कैसे है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनती है, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो याद रखना है, यहां पर कई सारे सब्सटेंस बनते हैं, कई सारे मैक्रो मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट है हीम सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास सेंसर होते हैं, सेंसर ऑफ सेल डैमेज। सेल डैमेज के सेंसर कहां पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जो कि इनिशिएट करते हैं और रेगुलेट करते हैं किसको, अपोप्टोटिक सेल डेथ को, यानी कि अपोप्टोसिस को रेगुलेट करने का काम ये सेंसर करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक कंपोनेंट के नाम यहां पर दिए गए हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनके नाम और रोल यानी कि फंक्शन यहां पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है अपने पास, साइटोसोल। साइटोसोल का क्या फंक्शन है, साइटोसोल का क्या फंक्शन है, देखो सेल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं ऑर्गेनेल के। साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म जो है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलेगी वो साइटोप्लाज्म में चलेगी, जो भी ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म से होगा,
प्रोटीन कहां पर बनती है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन कहां होता है, वो भी साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और अपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है, अभी हमने पढ़ा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा वो सिंथेसिस करवाएगा किसकी, मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन की, और जो प्रोटीन बाहर सिक्रीट करनी है उसकी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, सॉर्टिंग का काम करते हैं और कैटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल को रेगुलेट करेगा, प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगा, और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होती है, न्यूक्लियस में। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए बनना। प्रोटीन ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। उसके बाद एंडोसोम क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, तो एंडोसोम। उसके साथ साथ इंजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, कोई भी सेल के बाहर से कोई सब्सटेंस अगर सेल के अंदर आएगा तो उसको इंजेस्ट करेगा, खाने का काम करेगा एंडोसोम। उसके बाद लाइसोसोम का क्या काम है, सेलुलर कैटाबॉलिज्म का है, यानी कि सेल के अंदर ब्रेक डाउन करने का है। प्रोक्सीसोम के अंदर क्या होगा, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है उसका मेटाबॉलिज्म चलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए टू आरएनए इज फॉर्मड बाय, अभी आपने पढ़ा है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रेप्लिकेशन होता है डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू डीएनए क्या रहेगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है एक स्ट्रैंड नहीं बनेगी, एक स्ट्रैंड न्यू बनेगी और एक ओल्ड रहेगी, ठीक है। एक स्ट्रैंड न्यू बनेगी और एक स्ट्रैंड ओल्ड रहेगी, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि एक पुरानी जो है उसको 50% ही बचा करके रखता है अगले नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, डीएनए से आरएनए का बनना, तो डीएनए टू आरएनए बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, आरएनए टू क्या बनेगा, प्रोटीन, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था, डीएनए से आरएनए बना था, तो यहां पर आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, रिवर्स हो गया उसका, उल्टा हो गया, तो आरएनए से डीएनए अगर बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व रहेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में आएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्लूड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय, फ्लूड मोजाइक मॉडल जो किसको बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ, जो किसके बारे में है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी वो कौन बताता है, फ्लूड मोजाइक मॉडल बताता है। ये दिया किसने था, तो ये इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे अपने पास सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, फ्लूड मोजाइक मॉडल देने का काम किया था। मैक्सम गिलबर्ट जो है उसका नाम जो जुड़ता है वो जुड़ता है अपने पास डीएनए सीक्वेंसिंग से, इससे जुड़ता है डीएनए सीक्वेंसिंग से। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, फ्लूड मोजाइक मॉडल दिया था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, इसके लिए डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए दिया था, डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। रॉबर्ट हुक अपने पास सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड होता है, ठीक है, सेल की डिस्कवरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये फ्लूड मोजाइक मॉडल जो था इसने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, उससे पहले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, हाइड्रोफोबिक लिपिड्स की, हाइड्रोफिलिक लिपिड की, एम्फीपैथिक लिपिड की, या फिर प्रोटीन बाई लेयर की। जहां पर भी फोबिक वर्ड मिले और फीलिक वर्ड मिले, इनका मतलब क्या था, फोबिक मिले तो डर यानी कि हेट,
ठीक है, फीलिंग मीन्स प्यार, ठीक है, लविंग। तो आगे लिखा है अपने पास हाइड्रो, हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पानी से डरती हो या पानी के पास वो ना आए, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, पानी से दूर रहने वाली हाइड्रोफोबिक, पानी के पास रहने वाली हाइड्रोफिलिक। एम्पीपैथिक जो कि दोनों का मिश्रण रहेगी, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी रहेगा, हाइड्रो फोबिक पार्ट भी रहेगा, साथ के साथ हाइड्रोफिलिक पार्ट भी रहेगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किसके बनी होती है, वो बनी होती है एम्फीपैथिक लिपिड्स की, एम्फीपैथिक लिपिड्स की जो एक बाई लेयर बनेगी, ठीक है। बाई लेयर मीन्स दो लेयर, बाई लेयर का मतलब है दो लेयर, तो दो लेयर बनेगी और जो लिपिड रहेगी वो रहेगी हाइड्रो फोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि रहेगा हेड, और हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि रहेगा टेल पार्ट, जो कि क्या रहेगा, टेल पार्ट रहेगा। तो ये जो लिपिड अपने पास, जो फॉस्फोलिपिड है, ये क्या करेगी, हेड और टेल, हेड और टेल, इस तरीके से ऐसे लेयर बनाने का काम करेगी। ये क्या करेगी, ऐसे दो लेयर बनेगी, दो लेयर बनेगी, और दो लेयर इस तरीके से बनेगी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो रहेगा वो रहेगा बाहर की तरफ, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आउटर साइड, ठीक है, आउटर साइड और इनर साइड, यानी कि जिस साइड पानी रहेगा, जिस साइड लिक्विड पोर्शन रहेगा उस साइड हाइड्रोफिलिक पोर्शन रहेगा, और बीच के अंदर, यहां पर बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि टेल कहां पर रहेगी, बीच में रहेगी। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो एम्फीपैथिक लिपिड के बाई लेयर की बनी होती है। उसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रोल, एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो अभी हमने पढ़ा कि एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एम्फीपैथिक लिपिड ही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती है, जी नहीं, उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होती हैं। तो इस वजह से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो हर एक कंपोनेंट का आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये अपने पास क्या है, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, ठीक है, लिपिड बाई लेयर है ये। यहां पर देखो ये हेड वाला पोर्शन जो है, हेड वाला पोर्शन ये बाहर की तरफ है, ये आउटर साइड ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो जिस तरफ वोटर रहेगा तो वोटर बाहर की तरफ भी रहेगा, अंदर की तरफ भी रहेगा, उस साइड अपना रहेगा हाइड्रोफिलिक पार्ट, कौन सा रहेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा। लिपिड बाइलेयर जो रहेगी इसमें फोस्फोलिपिड्स है, ये क्या, ये फोस्फोलिपिड्स है, ये फोस्फोलिपिड्स भी कई टाइप की होती हैं। इन टाइप्स में से चार आपको अभी याद रखनी है, कौन कौन सी, जो बाहर की तरफ है, जो मोस्टली बाहर की तरफ कौन सी है, और मोस्टली अंदर की तरफ कौन सी है, ठीक है। बाहर की तरफ जो रहेगी फॉस्फेटिडाइल कोलीन और स्फिंगोमाइसिन, अंदर की तरफ जो रहेगी वो रहेगी अपने पास फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, इथेनोलामीन, और दूसरी रहेगी फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ये मोस्टली कहां पर पाई जाती है, अंदर की तरफ यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ पाई जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ ग्लाइकोलिपिड देखो, ग्लाइकोलिपिड कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ आउटर साइड है, अंदर की तरफ कोई ग्लाइकोलिपिड नहीं है। और एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा पार्ट रहेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कि नॉन रैंडम या फिर ऐसे क्लियर, एक तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं लिपिड राफ्ट। क्या बोलते हैं, लिपिड राफ्ट, यानी कि ये क्या करती है, जैसे राफ्ट चलते हैं ना, राफ्ट राफ्टिंग हम करते हैं जैसे, वैसे ये राफ्ट की तरह पूरी सेल मेम्ब्रेन में घूमने का काम ये करती है। ये एक तरीके से आपको अलग से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी।
ठीक है। और उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा तो ग्लाइकोलिपिड्स कहां पर रहेगी, सिर्फ बाहर की तरफ रहेगी, इसके अंदर ग्लाइकोवर्ड जो रहेगा, ग्लाइको ये अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स को डिनोट करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो रहेगी वो लिपिड के साथ या फिर प्रोटीन के साथ भी जुड़ी हुई यहाँ पे मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ईट मी सिग्नल। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है लेकिन मैं करवा रहा हूं क्योंकि अभी हमने चार फॉस्फोलिपिड के नाम पढ़े हैं, जिसमें से दो अंदर की तरफ थे, दो बाहर की तरफ थे, तो उनमें से एक काम करेगी अपने पास ईट मी सिग्नल का, वो कौन सी है, कोलेस्ट्रोल, फोस्फेटिडाइल सेरीन, फोस्फेटिडाइल कोलीन या फिर स्पिंगोमाइलिन। तो इसमें से आपको याद रखना है, जो फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है, फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है, ये मोस्टली अभी हमने पढ़ा, ये मोस्टली कहां पर पाई जाएगी, इनर साइड, मोस्टली ये इनर साइड पाई जाएगी, लेकिन जब सेल की अपोप्टोसिस होगी, जब भी सेल की डेथ होने वाली होगी या अपोप्टोसिस होगी, अपोप्टोसिस जब इसकी होगी, तो ये जो फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है ये कहां पर चली जाएगी, सेल के आउटर सरफेस पे चली जाएगी, आउटर सरफेस पे चली जाएगी, तो ये सिग्नल की तरह काम करेगी, ये सिग्नल देगी कि आओ मुझे खाओ, यानी कि सेल इनके थ्रू, फोस्फेटिडाइल सेरीन के थ्रू सिग्नल सेंड करेगी कि अब इस सेल की डेथ करवानी है या फिर नहीं। ठीक है, तो ईट मी सिग्नल की तरह काम करेंगे फोस्फेटिडाइल सेरीन। ठीक है, सेरीन याद रखना, फोस्फेटिडाइल सेरीन। और एक क्वेश्चन ये देखो भाई, द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली, जो इरिथ्रोसाइट है, जो रेड ब्लड सेल है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन को अगर अच्छे से स्टडी करना है, सेल मेम्ब्रेन को अगर अच्छे से स्टडी करना है, तो उसके लिए मॉडल का काम जो करेगी, मॉडल वो रहेगी रेड ब्लड सेल। अच्छे से अगर स्टडी करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसका मॉडल रहेगी रेड ब्लड सेल। हर एक सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड का जो पोर्शन है वो कम ज्यादा होता रहता है। इरिथ्रोसाइट मॉडल की तरह काम करती है, तो इसके अंदर कितना प्रोटीन और कितना लिपिड है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, उसके अंदर इरिथ्रोसाइट के अंदर प्रोटीन कितना है और लिपिड कितना है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन पार्ट जो है वो ज्यादा रहेगा और लिपिड पार्ट जो है वो कम रहेगा। दूसरा, अगर न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स या फिर अपने पास माइलिन शीट जो होती है ना, इसमें माइलिन शीट, उसकी वजह से न्यूरॉन्स के अंदर, माइलिन शीट की वजह से न्यूरॉन्स के अंदर अपने पास लिपिड कंटेंट ज्यादा रहेगा, लिपिड कंटेंट ज्यादा रहेगा प्रोटीन के कंपैरिजन में। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको, सबसे पहली बात इरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन पार्ट ज्यादा रहेगा जो कि 52% है, और लिपिड पार्ट कम रहेगा जो कि 40% है। दूसरी तरफ न्यूरॉन्स में लिपिड कंटेंट ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है जिसके अंदर लिपिड कंटेंट पाया जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। उसके बाद ये अपने पास बताया गया फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड होती है कि सिर्फ सिर्फ अंदर की तरफ ही पाई जाए, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फोस्फेटिडाइल सेरीन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, जब भी अपोप्टोसिस होगी तो ये ईट मी सिग्नल का काम करेगा और ईट मी सिग्नल की तरह काम करेगा फेगोसाइट्स के लिए। ठीक है, फेगोसाइट्स फिर इनको क्या करेगी, इनगल्फ करेगी। उसके साथ साथ जो फोस्फेटिडाइल सेरीन है ये को फैक्टर की तरह काम करेगी इन द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में भी ये को फैक्टर का काम करती है फोस्फेटिडाइल सेरीन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जनरली अंदर की तरफ पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। अब बात आती है इन्फ्लामेशन की, इन्फ्लामेशन क्या होती है, तो इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन एक रिस्पॉन्स है किसका, वेस्कुलराइज्ड टिश्यू का, किसके लिए रिस्पॉन्स है, टू इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज। कभी भी इन्फेक्शन होगा या टिश्यू डैमेज होगा तब एक रिस्पॉन्स आएगा वेस्कुलराइज्ड टिश्यू की तरफ से। अब क्यों आएगा, तो ये करेगा क्या, ये करेगा, ये ब्रिंग करेगा, बुलाएगा किसको, सेल्स को या फिर कुछ एक मॉलिक्यूल्स को, कौन से मॉलिक्यूल, जो कि होस्ट डिफेंस सिस्टम से है। अब ये आएंगे कहां से, ये उसके सर्कुलेशन में है, जिस होस्ट की बात चल रही है उसके सर्कुलेशन में है, होस्ट के सर्कुलेशन से कुछ एक सेल को या मॉलिक्यूल्स को
निकाल करके भेज देना कहां पर, जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट कहां पर होगी, जहां पर इन्फेक्शन होगा या फिर टिश्यू डैमेज होगा। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अगर कहीं पर भी टिश्यू डैमेज या इन्फेक्शन है तो वहां पर जो टिश्यू है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद हमारे सर्कुलेशन के अंदर से कुछ एक सेल और मॉलिक्यूल वहां से निकलेंगे, सर्कुलेशन से निकलेंगे और उस साइट पर आ जाएंगे जहां पर इन्फेक्शन था या फिर टिश्यू डैमेज था। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होती क्यों है, क्योंकि जो ऑफरिंग एजेंट है, जो पैथोजन है, जो कि इन्फेक्शन कोज कर रहा है, उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव प्रोसेस। इन्फ्लामेशन क्या है, प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, ये हमको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव मेनली। ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, इन्फेक्शन जो है उनको हम चेक नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे अनचेक्ड। जो अपने पास वुंड्स होते हैं वो कभी भी हील नहीं कर पाएंगे, अगर एक बार घाव हो गया तो ऐसे का वैसा पड़े रहेगा। इंजर्ड टिश्यू जो है वो परमानेंट ऐसे ही रह जाएंगे, इंजर्ड ही रहेंगे वो। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन इज ए नेसेसरी एंड प्रोटेक्टिव टू अस, हमारे लिए प्रोटेक्टिव नेचर की इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन में होता क्या है, सबसे पहले जो ऑफेंडिंग एजेंट है यानी कि जो पैथोजन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा हमारी सेल के द्वारा, होस्ट सेल यानी कि हमारी सेल या फिर हमारे मॉलिक्यूल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां पर भी हमको मिलेंगे वहां पर हमारे सर्कुलेशन से ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन वहां पर चले जाएंगे, कहां पर, जहां पर अपना ऑफेंडिंग एजेंट आया हुआ है। उसके बाद ल्यूकोसाइट और प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाएंगी और फिर वो एक साथ काम करेगी। काम कैसे करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। डिस्ट्रॉय जब उसको कर देगी फिर उसको एलिमिनेट करेगी, बाहर निकालेगी और फिर ये प्रोसेस कंट्रोल कर ली जाएगी और फिर बंद कर दी जाएगी क्योंकि अपना काम हो चुका है और जो डैमेज्ड टिश्यू था वो रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस है कि इन्फ्लामेशन कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल प्रेडोमिनेंटली इमिग्रेटेड इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब देखो इन्फ्लामेशन क्या है, हमने देखा कि किसी भी टिश्यू में अगर इंजरी है या कोई पैथोजन अगर आ गया है तो वहां पर हमारी बॉडी के कुछ एक सेल या मॉलिक्यूल्स माइग्रेट कर जाएंगे, चले जाएंगे। तो वहां पर अगर बात करें इन्फ्लामेशन की, इन्फ्लामेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रोनिक। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में यहाँ पे पूछा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में प्रेडोमिनेंटली कौन सी सेल इमिग्रेट करती है, यानी कि उस जंक्शन के ऊपर, साइट ऑफ ऑफेंड के अंदर, साइट ऑफ इन्फेक्शन पर, साइट ऑफ टिश्यू डैमेज पर सबसे ज्यादा कौन सी सेल जाएगी इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज, लिम्फोसाइट। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो मेनली सेल रहेगी, प्रिडोमिनेंट सेल जो जाएगी उसका नाम रहेगा न्यूट्रोफिल, आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फिक सेल। ठीक है, या पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल भी इसको बोला जाता है, यानी कि इसके न्यूक्लियस जो उसकी कई सारी मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, इस वजह से इसको पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना, देखो जो इन्फ्लामेशन रहेगी वो दो टाइप की हो सकती है, पहला एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। जो एक्यूट है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर वो हम याद रखेंगे। एक्यूट जो होगी ये इनिशियल स्टेप होगा यानी कि सबसे पहले एक्यूट होगी, इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स रहेगा वो रैपिड रहेगा। ठीक है, जब भी इन्फेक्शन होगा तो तभी जो इन्फ्लामेशन होगी वो एक्यूट इन्फ्लामेशन रहेगी। ठीक है, ये डेवलप होने के लिए कितना टाइम लेगी, कुछ एक मिनट से लेकर कुछ एक घंटों तक, और ये अपने पास शॉर्ट ड्यूरेशन होती है यानी कि कुछ एक टाइम तक ही ये चलेगी। शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कुछ एक घंटों से लेकर कुछ एक दिन तक ही ये बनी रहेगी। उसके साथ साथ इट्स मेन करेक्टरिस्टिक आर एग्जुडेशन ऑफ फ्लूड एंड प्लाज्मा प्रोटीन। एग्जुडेशन ऑफ फ्लूड होगा या प्लाज्मा प्रोटीन होगा, जिसको हम बोलेंगे इडीमा। इडीमा के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल याद रखना है कि इन्फ्लामेशन के केस में इडीमा होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के केस में इडीमा होता है।
इडीमा होता क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट होता है, जो ल्यूकोसाइट्स है जो व्हाइट ब्लड सेल वो इमिग्रेट करते हैं यानी कि चली जाती हैं, जिसमें कि प्रेडोमिनेंटली सेल कौन सी है, न्यूट्रोफिल है, अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या रहेगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट रहेगा, किसका, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में देखो ल्यूकोसाइट तो कई सारी माइग्रेट करती हैं, लेकिन मेनली प्रेडोमिनेंटली कौन सी है, न्यूट्रोफिल है। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की ऑनसेट, यानी कि कितनी देर के अंदर ये देखने को मिलेगी। एक्यूट इन्फ्लामेशन मिनट से आवर तक का टाइम लेती है, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्लो है तो ये कुछ एक दिन के बाद देखने को मिलती है। सेलुलर इनफिल्ट्रेट यानी कि मेनली सेल जो इस साइट पर मिलेगी, एक्यूट इन्फ्लामेशन में मेनली न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मोनोसाइट, मैक्रोफाज और लिंफोसाइट ये सारी की सारी सेल देखने को मिलेगी। टिश्यू इंजरी और फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें तो एक्यूट के केस में ये क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी और मिल्ड रहेगी, कम रहेगी, लेकिन क्रोनिक के केस में सीवियर रहेगी और प्रोग्रेसिव हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लोकल एंड सिस्टेमिक साइन जो है अपने पास एक्यूट में प्रोमिनेंट रहेंगे लेकिन क्रोनिक में कम रहेंगे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन जो रहेगी वो एक्यूट रहेगी और अपने पास टाइम टेकिंग कौन सी रहेगी, क्रोनिक, यानी कि क्रोनिक का मतलब भी होता है लंबे समय तक चलना, ठीक है। जहां पर भी अपना बात आ जाए एक्यूट और क्रोनिक की, तो एक्यूट का होता है रिसेंट, ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है रिसेंट और क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम से। जैसे हम पढ़ते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन जो हम पढ़ते हैं यानी कि रिसेंट कोई इन्फेक्शन है कि क्या बोलेंगे, ये कोई रिसेंट इन्फेक्शन है, जो हमने पढ़ा था ना कि एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी हम चेक करते, तो IgM पढ़ते थे ना। और एक हम पढ़ते थे क्रोनिक इन्फेक्शन में, क्रोनिक इन्फेक्शन यानी कि पास्ट इन्फेक्शन, पास्ट या फिर लॉन्ग टाइम से जो इन्फेक्शन चल रहा वो वाला, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, IgG चेक करते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले। उसके बाद इन्फ्लामेशन के बारे में बात आती है तो वहां पर देखते हैं कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के, कुछ एक कार्डिनल साइन होते हैं, 5 कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के, उनमें से एक होता है डॉलर, उनमें से एक क्या होता है, डॉलर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है डॉलर इन कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन इंडिकेट्स, इन्फ्लामेशन के जो कार्डिनल साइन होते हैं 5, उनमें से एक है डॉलर, ये डॉलर जो है किसको डिनोट करता है, पेन को, रेडनेस को, स्वेलिंग को या फिर लॉस ऑफ फंक्शन को। अब हमको तो पता ही नहीं कार्डिनल साइन क्या होते हैं, तो उससे पहले ये देखो कौन कौन से साइन है जो इन्फ्लामेशन है उसके कुछ एक कार्डिनल साइन जो होते हैं वो क्या क्या है। एक सबसे पहला रहेगा कैलर, पहला रहेगा कैलर, दूसरा रहेगा रूबर, तीसरा रहेगा ट्यूमर, चौथा रहेगा डॉलर और पांचवा जो रहेगा वो रहेगा फंक्सियोलेजिया, क्या रहेगा, फंक्सियोलेजा, ठीक है, फंक्सियोलेजा। अब इनका मतलब क्या है, हर एक का आपको बताना चाहिए भाई। सबसे पहले है कैलर, कैलर हम क्या पढ़ते हैं, कैलरी, कैलरी पढ़ते हैं, कैलरी किससे रिलेट करते हैं, एनर्जी से, और एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट, तो कैलर का मतलब रहेगा हीट। दूसरा रहेगा अपने पास रूबर, आर से रूबर और आर से रेडनेस, रूबर आर से रूबर आर से रेडनेस। ट्यूमर आपको पता है, ट्यूमर हम किसको बोलते हैं, कोई भी स्वेलिंग है उसको बोलते हैं, गांठ जो बन जाती है, तो ये तो याद ही रहेगा ट्यूमर किसको डिनोट करेगा, स्वेलिंग को। उसके बाद डॉलर जो रहेगा, डॉलर ये डिनोट करेगा अपने पास पेन को, और फंक्सियो, फंक्सियोलेजा रहेगा लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में पूछा था डॉलर किसको डोनेट करता है, डॉलर मींस पेन, ठीक है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, यहां पर डॉलर से पूछा था तो ऑप्शन ए पेन रहेगा, रेडनेस रूबर से आएगी, स्वेलिंग ट्यूमर से आएगी, लॉस ऑफ फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेगा अपने पास फंक्सियो, फंक्सियोलेजा, फंक्सियोलेजा, और एक क्या रहेगा अपने पास इनमें से कैलर, ठीक है, कैलर किसको डिनोट करेगा, हीट को।
ये पांच कार्डिनल साइन है, यानी कि जहां पर भी इन्फ्लामेशन होगी तो ये देखने को मिलेगी, वहां पर पेन भी होगा, वहां पर रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, लॉस ऑफ फंक्शन भी देखने को मिलेगा और वहां पर हीट भी जनरेट होगी। तो दीज आर फाइव कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इनके जो अपने पास पांच जो कार्डिनल साइन है, इनमें से पहले चार जो है वो किसने दिए थे? ये दिए थे अपने पास सेल्सस ने। जब वो पीछे क्वेश्चन में आया था सेल्सस, तो मैंने बताया था कि आगे इन्फ्लामेशन जब पढ़ेंगे वहां पर इसका रोल देखेंगे, इसने क्या किया था। तो पहले चार कार्डिनल साइन जो है वो सेल्सस ने दिए थे, और पांचवा जो है, पांचवा जो अपने पास कार्डिनल साइन था वो दिया था रुडोल्फ विर्चू ने, जिसका नाम है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। रुडोल्फ विर्चू को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी बोलते हैं। ये हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। कौन सा कार्डिनल साइन इन्होंने दिया था? रुडोल्फ विर्चू ने कौन सा कार्डिनल साइन दिया था? तो लॉस ऑफ फंक्शन वाला, लॉस ऑफ फंक्शन वाला कार्डिनल साइन इन्होंने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अस्थमा मेनली इन्वॉल्व सेल्स आर, अस्थमा के अंदर मेनली कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है? न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, प्लाज्मा सेल, टी लिम्फोसाइट। तो आंसर रहेगा योसिनोफिल, ठीक है, योसिनोफिल। और एंटीबॉडी अगर पूछ ली जाए तो आईजीई, हाइपर सेंसिटिविटी अगर पूछ ली जाए तो टाइप वन, हाइपर सेंसिटिविटी अगर पूछ ली जाए तो टाइप वन, ठीक है, टाइप वन। तो नीट टू गलती से लिखा है, टाइप वन है ये, ठीक है। यहां पर बताए गए हैं कि किस डिसऑर्डर के अंदर कौन सी सेल या मॉलिक्यूल मेनली इन्वॉल्व होते हैं? तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर मेनली जो सेल इन्वॉल्व रहेगी वो रहेगी न्यूट्रोफिल। अस्थमा के अंदर कौन सी रहेगी? इयोसिनोफिल रहेगी। और एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? आईजीई रहेगी। उसके बाद ग्लोमेरुलो नेफ्राइटस, इसके अंदर एंटीबॉडीज और कंप्लीमेंट क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल रहेंगे जो इन्वॉल्व रहेंगे। और सेल कौन सी रहेगी? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट रहेगी। सेप्टिक शॉक के अंदर साइटोकाइंस अपना रोल प्ले करेंगे। ये सारे के सारे किसके हैं? एक्यूट डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। क्रोनिक के अंदर भी अस्थमा इंक्लूड होता है, अस्थमा के साथ साथ अर्थराइटिस, अथेरोस्क्लेरोसिस और पल्मोनरी फिब्रोसिस भी होता है। इनके अंदर जो सेल इन्वॉल्व रहेगी, अर्थराइटिस के अंदर लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाज और एंटीबॉडीज, अस्थमा के अंदर वही अभी हमने पढ़ा, इयोसिनोफिल और आईजीई एंटीबॉडी, अथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर मैक्रोफाज और लिम्फोसाइट, पल्मोनरी फिब्रोसिस के अंदर मैक्रोफाज और फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। सारी याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अस्थमा, अस्थमा तो हमेशा याद रखना है, अस्थमा के अंदर इयोसिनोफिल और आईजीई टाइप की एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज्ड बाय, इन्फ्लामेशन का रीजन क्या हो सकता है? नेक्रोसिस, इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी या फिर ऑल ऑफ द अबोव। इन्फ्लामेशन की वजह क्या हो सकती है? इसका आंसर है अपने पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। जितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं हर एक कॉज कर सकता है क्या? इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन जो है इन सभी की वजह से हो सकती है। क्या क्या है? नेक्रोसिस, इन्फेक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी। अपना आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। अभी हम पढ़ते हैं इन्फ्लामेशन किस किस वजह से हो सकती है, ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। सबसे पहला रहेगा अपने पास इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन के कॉज में सबसे पहले क्या रहेगा? इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी, फंगल भी, पैरासिटिक भी। उसके साथ साथ कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन होती है। और इन्फेक्शन वाला जो अपने पास कॉज रहेगा, दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा किसका? इन्फ्लामेशन का। और मेडिकली इंपॉर्टेंट कॉज भी यही है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन एंड मेडिकली इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन क्या रहेगा, तो इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा अपने पास टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस में आ जाएगा अपने पास इस्केमिया, ट्रोमा, फिजिकल और केमिकल इंजरी, ठीक है, ये सारे भी रीजन हो सकते हैं इन्फ्लामेशन के। इसमें से इस्केमिया जो रहेगा उसका मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो,
कि कोज रहेगा, रीजन रहेगा किसके लिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, तो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से होता है। और रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो जो रहेगा उसको हम स्पेशल टर्म जो देंगे उसको बोलेंगे इस्चेमिया। क्या बोलेंगे? इस्चेमिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है फोरन बॉडीज। फोरन बॉडीज अगर हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी इंफ्लामेशन हो सकती है। और कुछ एक कंडीशन भी पूछ ली जाती है, जैसे यूरेट क्रिस्टल किस डिजीज में देखने को मिलते हैं, तो यूरेट क्रिस्टल देखने को मिलते हैं गाउट में। क्वेश्चन है ये, गाउट के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? यूरेट क्रिस्टल। कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं किस कंडीशन में? इन एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में अपने पास कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इम्यून रिएक्शन जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, वो भी इंफ्लामेशन का कोज हो सकती है, रीजन हो सकती है। अगर अगर जो अपने पास इम्यून रिएक्शन खुद के एंटीजन, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हो, तो उस बीमारी को, उस डिजीज को बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के एंटीजन के खिलाफ ही काम करे, हमारी बॉडी का एंटीजन के खिलाफ अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करे, तो उसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो ये है अपने पास इंफ्लामेशन के कोज, किस किस वजह से इंफ्लामेशन हो सकती है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इंफ्लामेशन, अभी हमने पढ़ा था इन्फेक्शन का। ऑप्शन क्या क्या है? ट्रोमा, ऑटोइम्यून डिजीज, पैथोजेनिक इन्फेक्शन। तो आंसर क्या रहेगा? पैथोजेनिक इन्फेक्शन रहेगा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इज नोन एज, अभी हमने पढ़ा था रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो किसे कहेंगे? इस्चेमिया को। ठीक है, इस्चेमिया मींस रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। लेकिन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होगा तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होती है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई अगर होगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोवोलीमिया यानी कि ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, क्या बोलेंगे? हाइपोवोलीमिया। या ब्लड वॉल्यूम की जगह प्लाज्मा वॉल्यूम भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, प्लाज्मा वॉल्यूम का कम हो जाना। हाइपरवोलीमिया, ब्लड या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम का बढ़ जाना, वॉल्यूम का बढ़ जाना, उसको हम बोलेंगे हाइपरवोलीमिया। ठीक है, हाइपरवोलीमिया को फ्लूड ओवरलोड भी बोला जाता है, फ्लूड ओवरलोड भी बोला जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इस्चेमिया, इसकी रिजल्ट जो रहेंगे इसकी वजह से और क्या हो सकता है? तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये कोज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इन्फार्क्शन। नेक्स्ट अपने पास प्रिंसिपल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के अंदर कौन कौन अपना रोल प्ले करते हैं? मेडिएटर जो रहेंगे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, साइटोकाइन्स, कीमोकाइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, कंप्लीमेंट या फिर काइनिन्स। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रिंसिपल मेडिएटर होते हैं इन्फ्लामेशन के। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आपको हिस्टामिन और इसका सोर्स। तो हिस्टामिन का सोर्स जो रहेगा वो मास्ट सेल, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स तीनों होती हैं। ये करती क्या है? वेजोडाइलेशन करती है, वेसोडाइलेशन करने का काम ये करती हैं। बाकी के नाम याद रख लेना, अगर ये टेबल कंप्लीट याद हो जाए तो अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लेना। ठीक है, कंप्लीमेंट क्या होती है? कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, बनती कहाँ पर है? ये लीवर के अंदर बनती है। ठीक है, कीमोकाइंस कीमोटैक्सिस में हेल्प करते हैं, कीमोटैक्सिस यानी कि केमिकल सिग्नल आएंगे फिर वो अपने पास साइट पर अपने सेलुलर एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, उसको हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। जैसे अभी इन्फ्लामेशन में क्या था, अगर कहीं पर भी कोई इन्फ्लामेशन हुई, कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हुआ या टिश्यू डैमेज हुआ तो वहां पर क्या हो जाता, अपने पास सेल्स चले जाते हैं माइग्रेट करके, तो उसको बोलेंगे कीमोटैक्सिस। ठीक है, केमिकल सिग्नल लेने के बाद वो चले जाते हैं।
तो अगर पूछ लिया जाए हिस्टामीन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, तो अभी हमने पढ़ा मास्ट सेल और बेसोफिल जो है वो हिस्टामीन को सिक्रीट करती है। इनके साथ साथ प्लेटलेट्स भी आपको याद रखनी है, प्लेटलेट्स भी क्या करती है, हिस्टामीन को सिक्रीट करने का काम करती होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ डिजीज हैं जो कि रिलेटेड है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन से, यानी कि इन सभी डिजीज के अंदर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन या ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, सबसे पहली क्या है अपने पास, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा लेप्रोसी, लेप्रोसी किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेपरी की वजह से होता है। तीसरा सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से होता है। चौथा तो अपने पास कैट स्क्रैच डिजीज जो कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की वजह से होता है। उसके बाद अपने पास फिफ्थ सार्कोइडोसिस जिसकी अननोन एटियोलॉजी है, नहीं पता इसका रीजन क्या होता है। और सिक्स्थ अपने पास क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज आल्सो नोन एज इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो ये भी याद रखना है, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज क्रोन डिजीज को बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे क्या नोट कर सकते हो, कौन सा डिजीज किस वजह से होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है जो कि एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेपरी भी एक बैक्टीरिया जो लेप्रोसी कोज करता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम भी एक बैक्टीरिया जो सिफिलिस कोज करता है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई क्या कोज करते हैं, कैट स्क्रैच डिजीज कोज करते हैं। अच्छा, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए 25% H2SO4 यूज करते हैं, लेपरी के लिए 5% यूज करते हैं, ठीक है। सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए, सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए मैजिक बुलेट दी गई थी, मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट के अंदर आर्सेनिक कंपाउंड यूज किया गया था, याद रखना है आर्सेनिक कंपाउंड यूज किया गया था किसके अंदर, मैजिक बुलेट के अंदर। अभी मैजिक बुलेट है क्या चीज, ये है एक टाइप ऑफ कीमोथेरेपी, ये फर्स्ट कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कीमोथेरेपी जो कि सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए दी गई थी, मैजिक बुलेट का इसको नाम दिया गया, जिसके अंदर आर्सेनिक कंपाउंड यूज किया था। और कीमोथेरेपी दी किसने थी, तो ये थे अपने पास पॉल इरलिच, पॉल इरलिच ने दी थी। तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी अगर पूछ लिया जाए, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी अगर पूछ लिया जाए तो ये रहेगा अपने पास पॉल इरलिच, ठीक है। और क्यों बोला जाता है इसको फादर ऑफ कीमोथेरेपी, क्योंकि इन्होंने मैजिक बुलेट देने का काम किया था। मैजिक बुलेट एक कीमोथेरेपी है जो कि सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी। कौन सा कंपाउंड यूज किया गया था, तो आर्सेनिक कंपाउंड यहां पर यूज किया गया था। अब बात आती है अपने पास इडीमा क्या होता है। इडीमा हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली, हमारी बॉडी का वेट जो रहेगा उसका अप्रोक्सीमेटली 60% वाटर होता है। कितना वाटर होता है, 60%, जिसका जिसका 2/3, 2/3 वाटर जो रहेगा वो कहां पर पाया जाएगा, सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर फॉर्म में पाया जाएगा। तो बचा कितना, 1/3। तो 1/3 कहाँ पे मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मिलेगा, जिसके अंदर से, जिसमें जिसके अंदर ये क्या पाएगा, मोस्ट ऑफ रिमेनिंग वाटर इज फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट कंपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरस्टीशियल फ्लूड। इंटरस्टीशियल फ्लूड जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो पाया जाएगा वो मेनली इंटरस्टीशियल फ्लूड के तौर पे पाया जाएगा, इंटरस्टीशियल फ्लूड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इज आल्सो नोन एज इंटरस्टीशियल फ्लूड। इंटरस्टीशियल फ्लूड को दूसरा नाम दिया जाता है टिश्यू फ्लूड का, यानी कि टिश्यू के अंदर जो फ्लूड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो है इंटरस्टीशियल फ्लूड के अलावा, जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है जो कि टोटल वाटर के, जो हमारी बॉडी के अंदर टोटल वाटर जो उसका 5%, ओनली 5% जो रहेगा वो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज फाउंड इन प्लाज्मा, फाउंड इन
प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कितने परसेंट वाटर पाया जाता है पूरी बॉडी का? तो 5% ऑफ टोटल वाटर ऑफ बॉडी, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी का जो वाटर है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है इडीमा क्या है। इडीमा इज एन एक्मुलेशन ऑफ इंटरस्टीशियल फ्लूड विद इन टिश्यूज। ये डेफिनेशन है अपने पास इडीमा की। इडीमा इज एन एक्मुलेशन है, इडीमा में क्या होता है एक्मुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है क्या इंटरस्टीशियल फ्लूड, कहां पर एक टिश्यू में, तो किसी भी टिश्यू के अंदर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड यानी कि इंटरस्टीशियल फ्लूड अगर इकट्ठा हो जाए एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको बोलेंगे इडीमा, ठीक है। सिंपली सिंपल भाषा में बोलते हैं कहीं पर भी हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलेंगे इडीमा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कैन बी कलेक्टेड इन टू बॉडी कैविटीज एंड सच एक्यूमुलेशन आर ऑफन रेफर्ड टू कलेक्टिवली एज इफ्यूजन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है वो हमारी बॉडी कैविटी में भी क्या हो सकता है कलेक्ट हो सकता है इकट्ठा हो सकता है, उसको हम नाम देंगे इफ्यूजन का। तो अगर अगर टिश्यू में इंटरस्टीशियल फ्लूड इकट्ठा हो जाए, इंटरस्टीशियल फ्लूड इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलेंगे इडीमा। बॉडी कैविटी के अंदर अगर अपना एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड इकट्ठा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इफ्यूजन। क्या बोलेंगे इफ्यूजन। जैसे जैसे प्लूरल इफ्यूजन आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा, प्लूरल इफ्यूजन किसी भी पेशेंट को आप सुनते होंगे कि इसको तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, यानी कि प्लूरल फ्लूड वहां पर इकट्ठा हो चुका है। प्लूरल फ्लूड क्या हो चुका है, प्लूरल कैविटी के अंदर इकट्ठा हो चुका है। प्लूरल कैविटी क्या होती है, प्लूरल कैविटी क्या होती है जो कि सराउंड करती है लंग्स को, जो कि किसको सराउंड करती है लंग्स को, तो लंग्स को सराउंड करने वाली कैविटी होती है प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी एक बॉडी कैविटी है और बॉडी कैविटी में अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद बताया गया है फ्लूड की जो मूवमेंट होगी कहां पर वेस्कुलर और इंटरस्टीशियल स्पेस के बीच में, वहां पर दो अपोजिंग फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से, पहला रहेगा अपने पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरा रहेगा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन देने का काम करती है, और कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो होती है अपने पास एल्बुमिन। कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है। तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करती है, एल्बुमिन। नेक्स्ट है इडीमा। इडीमा में यहाँ पे बताया गया है रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ फ्लूड फ्रॉम वेस्कुलर इनटू इंटरस्टीशियल स्पेस, और ये जो फ्लूड अपने पास मूव करेगा, अभी हमने पढ़ा कि इडीमा के अंदर फ्लूड जो है वो माइग्रेट करता है या इकट्ठा हो जाता है कहां पर, किसी भी इंटरस्टीशियल स्पेस में या फिर टिश्यू में। तो ये फ्लूड जो है ये प्रोटीन पुअर भी हो सकता है और प्रोटीन रिच भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या चीज, प्रोटीन पुअर फ्लूड कौन सा है, प्रोटीन पुअर कौन सा है और प्रोटीन रिच कौन सा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। प्रोटीन पुअर को हम बोलते हैं ट्रांजुडेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजुडेट। और प्रोटीन रिच को हम बोलते हैं एक्जुडेट। क्या बोलते हैं, एक्जुडेट। तो ऐसा लिक्विड या फ्लूड जो कि प्रोटीन रिच होता है एक्जुडेट कहलाता है, ऐसा फ्लूड जो कि प्रोटीन पुअर होता है ट्रांजुडेट कहलाता है, ठीक है। इडीमा के होने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए, हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए जैसे हार्ट फेलियर के केस में, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाए इन्फ्लामेशन के केस में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है जब भी इन्फ्लामेशन और एडिमा होता है। उसके बाद डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, और इसमें देखो रिड्यूस्ड प्लाज्मा एल्बुमिन, मैंने बताया कि प्लाज्मा एल्बुमिन मेन प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने का काम करती है,
तो प्लाज्मा प्रोटीन अगर कम है, प्लाज्मा एल्बुमिन अगर कम है, तो उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद डिक्रीज सिंथेसिस हो रही हो, एल्बुमिन कहाँ पर बनती है, लीवर में बनती है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो कि लीवर डिजीज में मतलब कि अगर अगर लीवर डिजीज है तो वहां पर एल्बुमिन अच्छे से नहीं बनेगी, तो सिंथेसिस उसकी कम हो रखी है। ठीक है, डिक्रीज सिंथेसिस जब होगी एल्बुमिन की, तो वहां पर डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिलेगा। इस पॉइंट के अंडर में ही दो पॉइंट है, ये जो डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके दो रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला डिक्रीज सिंथेसिस यानी कि एल्बुमिन बन ही कम रहे हैं, और दूसरा इंक्रीज लॉस यानी कि लॉस ज्यादा हो रहा है, अब वो प्रोटीन का है या फिर साल्ट का है। ठीक है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर लॉस बढ़ जाता है यूरिन के थ्रू। उसके बाद सोडियम रिटेंशन और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी इडिमा बनने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन मेन आपको याद रख लेना कि इडिमा इन वजह से हो सकता है। हर एक पॉइंट यहाँ से, जरूरी नहीं कि आपको हर एक पॉइंट याद हो, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इडिमा क्या है, इडिमा कैसे होता है, इडिमा के अंदर कौन कौन से अपने पास फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेन अपने हमने पढ़ा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आता अपने पास शोक। अब ये शोक क्या है, कई बार बोलते ना मेरे को तो शोक लग गया, एकदम से कुछ ऐसी अजीब सी न्यूज सुन ली तो बोलते हैं, मैं तो शोक लग गया। तो एक्चुअल में शोक का क्या मतलब होता है, शोक इज ए स्टेट इन विच डिमिनिज्ड कार्डियक आउटपुट और रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन एंड लीड्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। ये तो बहुत लंबा हो गया, क्या मतलब था इसका। सिंपल भाषा में शोक का मतलब है कि कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना, कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना, या फिर हम बोलें कि इफेक्टिव सर्कुलेशन जितना ब्लड वॉल्यूम का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से टिश्यू का परफ्यूजन यानी कि टिश्यू के पास जितना ब्लड जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। अगर उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। यानी कि देखो हमारा ब्लड जो है, ब्लड के अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरी करता है यानी कि हमारा ब्लड हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन क्या हो अगर पहले 1 लीटर ब्लड अगर किसी टिश्यू को पहुंचना था, लेकिन किसी वजह से 1 लीटर ब्लड की जगह वहां पर 700 ml ब्लड ही सप्लाई वहां पे हो पा रही है, यानी कि कार्डिक आउटपुट कम हो चुकी है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम जो कि इफेक्टिवली सर्कुलेट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन यानी कि जितना ब्लड उस टिश्यू तक पहुंचना चाहिए था वहां पर उतना नहीं पहुंचेगा, और ब्लड उतना नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी उतनी नहीं पहुंचेगी। और ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाए, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई अगर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। समझाया, सिंपली कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना या फिर इफेक्टिव सर्कुलेशन के अंदर कमी आ जाना, जिसकी वजह से टिश्यू को प्रॉपर ब्लड ना पहुंचना और उसके अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन बन जाना, उसको हम शोक बोलते हैं। तो ये था शोक की डेफिनेशन। शोक के टाइप मेनली 3 टाइप हम पढ़ते हैं, शोक के मेनली 3 टाइप हम पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला रहेगा कार्डियोजेनिक शोक। क्या रहेगा, कार्डियोजेनिक शोक रहेगा, जिस जो होता है किसकी वजह से है, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल पंप फेलियर। यानी कि जो मायोकार्डियल पंप फेलियर यानी कि हार्ट जो है प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गई है, उसकी वजह से तो कार्डियोजेनिक। दूसरा है हाइपोवोलेमिक शोक, इसके अंदर भी कार्डियक आउटपुट कम रहेगी, लेकिन यहां पर किसकी वजह से, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से या प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर कमी आने की वजह से होगा। अभी हमने पढ़ा कि टिश्यू के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, उसके दो रीजन हो सकते हैं। हो सकता है हार्ट अच्छे से पंप ना कर रहा हो, और दूसरा हो सकता है ब्लड ही ना हो, ब्लड लॉस हो चुका हो।
ब्लड लॉस अगर हो चुका है तो उसकी वॉल्यूम कम हो गई होगी, वॉल्यूम अगर कम हो रखी तो उसको हम हाइपोवोलेमिक बोलते हैं, और उसी से नाम जोड़ देंगे हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक यानी कि कार्डिक मतलब कि हार्ट से जनरेट हुआ शोक। तो हार्ट प्रॉपर फेलियर प्रॉपर पंप ना करे तो कार्डियोजेनिक शोक, प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम कम है तो हाइपोवोलेमिक शोक। तीसरा अपने पास सेप्टिक शोक, तीसरा क्या है सेप्टिक शोक, दैट इज रिलेटेड विद माइक्रोबियल इन्फेक्शन, दैट इज रिलेटेड विद माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद सीवियर सिस्टेमेटिक इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सिंपली अगर इन्फेक्शन कहीं पर है, कोई भी पैथोजेनिक या माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर है तो वहां पर जो शोक होगा उसको हम बोलेंगे सेप्टिक शोक। उसके साथ साथ एक पीछे क्वेश्चन में HSSC ने पूछा था, वो क्वेश्चन यहीं से बना था शायद, कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर कौन से टाइप का शोक देखने को मिलेगा, तो वहां पर आंसर था न्यूरोजेनिक शोक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो वहां पर न्यूरोजेनिक शोक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप ये याद रखना एनाफाइलेक्टिक शोक जो है, एनाफाइलेक्टिक शोक जो किससे रिलेटेड है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन से रिलेटेड है। ना भी याद रहे तो हमने पहले पढ़ रखा कि हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 जो है जो कि IgE मीडिएटेड है उसका एक एग्जांपल होता है एनाफाइलेक्टिक शोक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो ये था अपने पास शोक के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन डीएनए, डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन हो रखी है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया कैंसर टाइफाइड। तो कैंसर नामक बीमारी जो है वो डीएनए के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से होती है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। मलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन का एग्जाम्पल होता है, स्पोरोजोन पैरासाइट का एग्जाम्पल होता है। टाइफाइड जो होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया का नाम रहेगा साल्मोनीला टाइफी, साल्मोनीला टाइफी बैक्टीरिया का नाम रहेगा। ठीक है, टाइफाइड को इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है, टाइफाइड को इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है, और इंटेस्टिनल फीवर भी इसको कई बार बोल देते हैं, इंटेस्टिनल फीवर भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया जो कि इसको इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, कोई भी ट्यूमर अगर है, सबसे पहले कैंसर क्या है, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल किसको बोलेंगे, कैंसर को। ठीक है, अभी कैंसर जो है बेनाइन भी हो सकती है और मेलिग्नेंट भी हो सकती है, बेनाइन और मेलिग्नेंट दो टाइप हो सकते हैं, बेनाइन किसको बोलेंगे और मेलिग्नेंट किसको बोलेंगे। अगर ये कैंसर सेल किसी एक ही जगह पे लोकलाइज्ड रहे, फैले ना आगे, एक ही छोटे से हिस्से में डिवाइड करती रहे बस, उसको बोलेंगे बेनाइन। और मेलिग्नेंट कब बोलेंगे, जब ये कैंसर स्प्रेड हो जाए टू डिस्टेंट साइट, एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अगर ये कोई ह्यूमन है, इस ह्यूमन की बॉडी के एक पार्ट के अंदर, या मान लेते हैं नेक के अंदर, क्या किया नेक के अंदर सेल डिवीजन हो एक्सेस में, यानी कि यहाँ पर कैंसर सेल बन गई नेक वाले हिस्से में, लेकिन क्या करेगी ब्रेन तक पहुंच जाए, हार्ट तक पहुंच जाए, लंग्स तक पहुंच जाए, लेग्स तक पहुंच जाए, कहीं पर भी पहुंच जाए, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड पर अगर ये पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे मलिग्नेंट सेल। ठीक है, या फिर मलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर मलिग्नेंट कैंसर। ठीक है, तो बेनाइन मीन्स एक जगह पे रहने वाली, और मलिग्नेंट मीन्स पूरे की पूरी बॉडी में फैल जाने वाली। जो एक्चुअल में मलिग्नेंट ट्यूमर होती है उनको ही कैंसर बोला जाता है, जो कैंसर टर्म यूज करते हैं वो मलिग्नेंट ट्यूमर के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ट्यूमर सेल एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो कैंसर सेल या ट्यूमर सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट्स, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस।
उसके बाद एक नियोप्लाज्मा टर्म हम यूज करते हैं कैंसर के ही केस में, उसका मतलब क्या है, अगर पूछ लिया जाए नियोप्लेजिया का मतलब क्या है, एप्लास्टिक अनीमिया, न्यू ग्रोथ, न्यू डिजीज या फिर सेल डेथ, तो नियोप्लाजी का मतलब होता है न्यू ग्रोथ, नियोप्लाज्मा मीन्स न्यू ग्रोथ। और ट्यूमर भी इसको बोला जाता है, ट्यूमर के लिए भी हम क्या करते हैं नियोप्लाजिया या नियोप्लाजिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स और कैंसर, स्टडी ऑफ ट्यूमर और कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी, हमने भी पढ़ा था ऑन्कोलॉजी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, जितने भी ट्यूमर होगी, कोई भी ट्यूमर अगर है, ऑल ट्यूमर्स चाहे वो बेनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, उनके अंदर बेसिक दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से, पहला रहेगा अपने पास पैरेन्काइमा और दूसरा रहेगा स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा कौन सा है, जो कि बना होगा किसका, ट्रांसफॉर्म्ड और नियोप्लास्टिक सेल का, यानी कि पैरेन्काइमा जो रहेगा, पैरेन्काइमा ये बना होगा कैंसर सेल का, इसका बना होगा कैंसर सेल का। और स्ट्रोमा जो रहेगा, स्ट्रोमा ये नॉन कैंसर या नॉन नियोप्लास्टिक सेल का, नॉन नियोप्लास्टिक सेल का बना होगा, ठीक है। ये मेनली किसका बना होगा, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल और पोस्ट डेराइव्ड इंफ्लेमेटरी सेल्स का बना होगा, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए किसी भी ट्यूमर के अंदर जो अपने पास कैंसर पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो पैरेन्काइमा, ठीक है। कैंसर सेल वाला पार्ट जो रहेगा उसको हम पैरेन्काइमा बोलेंगे। स्ट्रोमा जो रहेगा वो नॉन नियोप्लास्टिक सेल का बना होता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए मास दैट प्रोजेक्ट अबव ए म्यूकोजल सरफेस टू फॉर्म ए मैक्रोस्कोपिकली विजिबल स्ट्रक्चर। किसी भी एक म्यूकोजल सरफेस के ऊपर एक प्रोजेक्शन अगर उभर जाए, एक मास कोई भी उभरा हुआ हमको दिखे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलिप एडिमा ग्लैंड टिश्यू, तो उसको हम नाम देंगे पॉलिप का, ठीक है। कहीं पर भी कोई मास अगर है जो कि उभरा हुआ हमको मैक्रोस्कोपिकली अगर हमको दिखे, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिप, ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली यानी कि ग्रॉस एग्जामिनेशन से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पर एक उभार है, यहाँ पर एक मास बना हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिप। नेक्स्ट है, कई सारे कैंसर होते हैं जो कि उनके एजेंट्स से जुड़े होते हैं, जैसे आर्सेनिक या आर्सेनिक के कंपाउंड जो है अगर उनको कंज्यूम किया जाए तो वो क्या कर सकती हैं, वो लंग कार्सिनोमा या फिर स्किन कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एस्बेस्टोस जो हम यूज करते हैं वो क्या करती हैं, लंग्स कोलोन कार्सिनोमा के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेंजीन जो है एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बेरिलियम और बेरिलियम के कंपाउंड लंग्स कार्सिनोमा, देखो इनमें सब में लंग्स तो कॉमन दे रखा भाई, लंग्स तो मैक्सिमम एजेंट जो है वो लंग्स कार्सिनोमा कोज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोस्टेट कार्सिनोमा याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट कार्सिनोमा कैडमियम और कैडमियम के कंपाउंड क्या करते हैं, प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और विनाइल क्लोराइड हिपेटिक एंजियो सार्कोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो कुछ एक एजेंट है जो कि मतलब कि जो कि माने जाते हैं कि इस टाइप की कैंसर के कॉजिटिव एजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कैंसर के कुछ एक टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाएगा, देखो कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा किस सेल का कैंसर होता है, कार्सिनोमा सेल अपने पास एपिथीलियल सेल का कैंसर होता है, एपिथीलियल सेल का कैंसर। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कैंसर ऑफ एपिथीलियल सेल इज नोन एज कार्सिनोमा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है तो सार्कोमा, अगर पूछ लिया जाए लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है तो लिम्फोमा, अगर ब्लड कैंसर है तो ल्यूकीमिया, और अगर स्किन कैंसर है तो उसको बोलेंगे मेलानोमा, और मल्टीपल माइलोमा जो हम पढ़ते हैं प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, प्लाज्मा सेल कैंसर मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, कार्सिनोमा एपिथीलियल सेल, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम,
ब्लड सेल का है तो ल्यूकीमिया और स्किन का है तो मिलेनोमा। ठीक है, ये कॉमन टर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद जो कैंसर है, कैंसर कैंसर के कई सारे कोज हो सकते हैं, जैसे फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल के अंदर अपने पास कुछ एक वायरस आते हैं भाई, जो कि अपने पास डीएनए वायरस भी हो सकते हैं और आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक अपने पास इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं। तो वायरस कौन कौन से हैं जो कि कैंसर कोज कर सकते हैं, वो देखो, अडेनो वायरस, हर्पीज वायरस, पेपो वायरस, ठीक है, ये फैमिली है, इनके अंदर कौन कौन से वायरस ऐसे दिए गए हैं, जैसे इप्स्टीन बार वायरस है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, एचएसवी हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, एचपीवी मोस्ट कॉमन रहेगा, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, रेट्रो वायरस टाइप बी और टाइप सी दोनों क्या करते हैं, कैंसर कोजिंग एजेंट होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वायरस कार्सिनोजेनिक होता है, तो यहां से जो भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे आपको याद रखने कि ये कैंसर कोजिंग वायरस हो सकते हैं, अडीनो वायरस, हर्पीज वायरस, पेपो वायरस, पेपो में पेपिलोमा वायरस याद रखना है, एप्स्टीन बार वायरस भी कैंसर कोजिंग हो सकता है, रेट्रो वायरस भी आरएनए, रेट्रो वायरस क्या है, आरएनए वायरस, ये भी याद रखना भाई, अगर पूछ लिया जाए आरएनए वायरस जो कि कैंसर कोज कर सकता है फिर आपको रेट्रो वायरस ही लगाना है, रेट्रो वायरस में टाइप बी और टाइप सी दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास आज की क्लास के बारे में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैंसर, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैंसर, 80% ऑफ कैंसर जो होती है, 80% कैंसर जो होती है, दीज आर कोज्ड बाय केमिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेंस की वजह से मोस्टली कैंसर कोज होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। तो ये था आज की अपनी पहली क्लास के बारे में, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक ये अच्छे से आपको कवर करना है। कोई भी डाउट अगर है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, थैंक यू ऑल ऑफ यू।